बाल तुम्हारे पकड़े थे तुम बता रही हो, और तुम्हारे बकौल ये तुम बता रहे हो कि बाल पकड़े थे बाबा जी ने और तुमने उनके नाजुक अज़ा पर पाँव मारा। नाजुक मतलब मारी है तो वो मतलब बाबा नीचे बैठ गया था, दो चार मिनट बैठे भी नीचे गिरा ना जब, तो तब मतलब मैं उससे उठा लूँ। ड्रामेबाजी की हुई है, गेटअप अपना। मुझे शौक नहीं मर्दों वाला, मैं मतलब मर्द बहुत है जिनकी ख्वाहिश होती है हम शादी करें इस तरह का काम करें, मुझे वो चीज़ नहीं पसंद है। 1 पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इकबाल टाउन थाने के अंदर, जहाँ पर एक ट्रांसजेंडर ने एक रिक्शा ड्राइवर को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। कत्ल इस वजह से किया कि उससे भीख मांग रहा था और एक दूसरे के साथ झगड़ा कर वहाँ पर उसको मारना शुरू कर दिया भीख मांगते मांगते, और वहीं पर मौके पर उसकी डेथ हो जाती है। इस वक्त वो ट्रांसजेंडर मेरे साथ मौजूद है, इससे जानते हैं कि आखिर उसको इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अदनान। अदनान जी। तो दूसरा नाम क्या है? आलिया। आलिया जी। आलिया, ये कब से इस ट्रांसजेंडर के गेटअप के अंदर हो? मैं शुरू से मतलब मुझे गुरु बनाए हो गया है कोई अंदाज़ा 13 साल। अच्छा। तो ऐसे मुझे शौक है मतलब नाचने का शुरू से ही। नाचने का शौक है जी। अच्छा, और बंदे मारने का? नहीं नहीं। क्या वाक्य हुआ था? कुछ नहीं, 14 अगस्त वाले दिन हम मतलब मांगने के लिए निकले थे। हाँ। तो पहले हम आए कैंपस, उधर लाइट नहीं थी, फिर हम भेखे वाले शारी पे आ गए, उधर भी लाइट नहीं थी, फिर हम पार्क में जाके बैठ गए, मतलब लाइट नहीं थी ना, तो 15-20 मिनट हम बैठे रहे लेकिन उधर हम लाइट नहीं आई, हमने कहा चलो आगे दुबई चौक जाते उधर लाइट होगी, इधर तो लाइट थी, 15-20 मिनट हुए मतलब मांगते हुए। अच्छा। तो शारा बंद हुआ तो मतलब मैंने 2 गाड़ियाँ पहले मांगी, गाड़ियों के बाद उन उस रश्के के पास चलेगी, तो मतलब मैंने दवाएं देनी शुरू कर दी, पीछे सवारियाँ बैठी थी, मैंने उन्हें दवाएं देनी शुरू कर दी, तो मतलब बाबा गुस्से में आ गया, मैंने कहा बाबा जी मैंने भी सवारियों से मांगा आपसे तो नहीं मांगा। वो बाबा जी से जो रिक्शा ड्राइवर थे जी मतलब 45-46 साल उम्र थी, इतनी थी यानी कि 45 साल के करीब जी। तो मैंने उनको कहा बाबा जी मैंने भी सवारियों से मांगे आपसे तो नहीं मांगे ना, तो वो गाली निकालने लगे, इसी के दरमियान हमारी मतलब मुँह मारी झगड़ा होने लग गया। अच्छा। तो उसने ना मतलब मेरे बाल खींच के ना मुझे नीचे कर लिया, तो मैंने ना अपनी तरफ से मतलब छुड़ाने की कोशिश की, मतलब इन्हें उसने बाल पकड़े मैंने ना नीचे से इस तरह पाँव मारा भी साइड। इतनी बात से वो तो तुम्हें बुजुर्ग थे, वो कैसे तुम्हें इतनी सी बात से जो है नहीं मतलब गाली निकालने लग गया ना, तभी मतलब मुझे भी गुस्सा आ गया, तो हम दोनों के इसलिए आपने गाली दी? नहीं, बाबे जी ने गाली दी, दफा जो यूँ कह रही वो कह रही हो तुम्हें शर्म नहीं आती, ये हो गया वो हो गया, मैंने कहा बाबा जी मैंने भी सवारियों से मांगे आपसे मांगू तो फिर आप मुझे कहते भी अच्छे लगो मतलब, तो मतलब उसने मुझे मेरे बाल खींच के ना तो नीचे कर लिया, मैंने अपनी तरफ से ना मतलब छुड़ाने की कोशिश में इस तरह लाट मारी भी साइड पे हो जाएगा मेरे बाल छोड़ देगा, तो वो मतलब मेरी पाँव ना गलत जगह पे लग गया बस, यानी कि आपका जो पाँव है उनके नाजुक अज़ा पे लग गया जी। गलती से तो नहीं लगा ना, मारा है ना जी, मतलब उसने मेरे बाल खींचे हुए थे गलती से, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की भी साइड पे हो जाएगा कहीं और लग जाएगी, लेकिन वो गलती से ही लगा। गलती से नहीं ना, वहाँ पे प्लान था ना उसको मारना, यहाँ से मार के जो है ना जान छुड़ा लूंगी अपनी। नहीं नहीं, गलती वाली बात ना करो ना। नहीं साहब, गलती हुई क्योंकि प्लान वो होता है कि एक इंसान मतलब पीछे से सोच के, उसने बाल तुम्हारे पकड़े थे तुम बता रही हो, और तुम्हारे बकौल ये तुम बता रहे हो कि बाल पकड़े थे बाबा जी ने और तुमने उनके नाजुक अज़ा पर पाँव मारा। नाजुक भी नहीं, मेरा मतलब सर नीचे था ना। अच्छा। तो मतलब मैंने छुड़ाने की कोशिश में इस तरह लात मारी भी मतलब साइड पे हो जाएगा मेरे बाल छोड़ देगा, तो वो गलती से लग गई बस। गलती से लग गया जी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, मैं वो मतलब उधर भाग के उस जगह से मतलब आज मुझे 5-6 दिन हो गए साहब पकड़ के ले आए। सारी बात है ना, तुमने एक जानी इंसान और बाबा जी को कत्ल किया था, और कत्ल तो छुपता नहीं है ना जी। वहाँ से मौके से फरार हो गई थी जी, तो बाबा जी तो वहाँ तड़प रहे होंगे। हा? नहीं मतलब जो वालिद हैं जी, अम्मी अबू सब हैं जी। वालिद की उम्र का था ना वो? अबू से मतलब कि 10-15 साल थोड़ी मतलब थोड़ी उम्र का था, बड़ा नहीं था। वो बड़े ही थे ना, 45-50 साल उनकी एज थी, वो बड़े ही हो गए ना जी। शर्म नहीं आई अपने वालिद की उम्र के वो बुजुर्ग के साथ वहाँ पे दस्तों गिरेबान होते हुए? बस गलती होगी। गलती क्या होगी, अब हथकड़ियाँ लगी जब कानून की गिरफ्त में आ जाते हो तो फिर गलती होगी। गलती क्या होगी, ये पहले सोचा नहीं है? गुस्सा आ गया था जी उसमें जब मेरे बाल इतना तैश आ गया था।
उसने जब बाल खींचे और गाली निकालने लगे, मैंने कहा चल मतलब भी बाल तो छोड़ दो, तो लोग देख रहे थे, किसी ने छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की है। साथ में कितने लोग थे? काफ़ी मेरे साथ, मतलब हम दो थी, वो दूसरी जब आई ना तब हमारा भी झगड़ा मतलब ख़त्म हो गया था। अच्छा। तो इसीलिए उधर भी ऐसे देखने वाले काफ़ी लोग थे। अच्छा। बाबा जी को जब ये टांग मारी है तुमने उनके नाजुक अज़ा पर, मार के निकल गई वहाँ से? नहीं मतलब मारी है तो वो मतलब बाबा नीचे बैठ गया था। अच्छा। दो चार मिनट बैठे फिर नीचे गिरा ना जब, तो तब मतलब मैं उससे भाग गई। भाग गई जी। पकड़े कैसे गए थे? पकड़ी मतलब ये उधर छुप गए थे, तो मतलब साहब गए हैं, मतलब आज छः सात पाँच छः दिन हो गए, तो ये पकड़ के ले आए। कहाँ पे रूपोश कितने दिन रही हो? फैसल टाउन फ्लैटों पे। फ्लैटों से पकड़ी गई हो? जी। तो जाहिर बात है कतल तो नहीं छुपता ना, ये भी तो तुम्हारे पीछे थे ना। जी जी। अब कैसा महसूस हो रहा है? ये जो तुम्हारे अंदर जो ये लड़कियों वाले रूह है? जी है? जी। ये कब से है? शुरू से मतलब कपास चुननी और लड़कियों वाले काम करने, दुपट्टे लेने, इसी तरह का मतलब। एक होता ना इंसान मजबूरी में इस तरह का काम करते हैं, मुझे शौक है शुरू से, पूरे गांव वालों का भी पता है। अच्छा। मतलब ये शुरू से इस तरह के, शुरू से ये फीलिंग लड़कियों जैसी आती है। जी। अब हवालात में हो? जी। वहाँ पर भी आती हैं? नहीं आती है लेकिन कंट्रोल किया जाता, मतलब अल्लाह को याद किया। क्या वहाँ पे क्या फीलिंग आती है, क्या कंट्रोल करती है? कुछ नहीं, ये मतलब बातें करने का अंदाज़ा तो वो ही है मतलब, लेकिन बस है? अच्छे खासे तुम मर्द हो, ये ड्रामेबाजी की हुई है गेटअप अपना अपना? नहीं मुझे शौक नहीं मर्दों वाला, एक मतलब मर्द बहुत है जिनकी ख्वाहिश होती है हम शादी करें इस तरह का काम करें, मुझे वो चीज़ नहीं पसंद है। शुरू से ये चीज़ें पसंद थी? जी। अब अवलाद के अंदर वो रूह आती है दोबारा? कब आती है वो रूह? मतलब रूह का यही मतलब है, रूह तो जिस्म के अंदर ही होती है। अच्छा। बस तो वहाँ पे भी आके तंग करती है? नहीं तंग क्या हो, सुनने करने मतलब। शर्म नहीं आई तुम्हें? बहुत ज़्यादा। एक इंसानी जान का इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया, और वो बुजुर्ग हजरात थे, बुजुर्ग थे ना वो? जी। शर्म नहीं आई उस पर, थोड़ा सा भी तरस नहीं आया? बस जब उसने मेरे बाल खींचे तब मतलब ही उसे भी गुस्सा था, मुझे भी गुस्सा था, और मेरी मतलब हमारी दुश्मनी तो नहीं थी। अच्छा। जी। तो फिर अब क्या होना चाहिए? बस जो सजा। कैसी रातें गुजर रही हैं? बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल। अब तो लंबी जाओगे ना, लंबे जाओगे ना अब? बस बहन भाई हैं? हाँ जी। कितने बहन भाई हो? पाँच बहने हो, हम चार भाई। चार भाई हो? जी। और पांच बहनें हैं? जी। सबसे बड़े भाई हो? नहीं मुझसे दो छोटे। दो छोटे हैं। तो ये नहीं सोचा कि वालदेन अब किसके दर पे जाएंगे, किसका जाके दरवाज़ा खटखटाएंगे, सोचा नहीं था ये? बस गुस्से में हो गया, गुस्से में आ गुस्से में क्या आ गया, गुस्से में सोचा नहीं, कंट्रोल कर लेती ना, अब वालदेन के बारे में नहीं सोचा? बस बताओ, पछतावा बहुत ज़्यादा। अब क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? बस जो सजा साहब देंगे। नहीं अब तो तुम अंदर जाओगी, अब तो अंदर अल्लाह से माफ़ी मांगना। जी क्यों नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह बख्शने वाले, अल्लाह पाक बख्शिएगा। मैंने कोई मतलब हमारी दुश्मनी तो नहीं थी, बस एक हाथ से ही में आ गए, तैश में आ गई, काम कर दिया ना। बस उसने जब मेरे बाल खींचे, मतलब उस दिन टाइम में मेरा सर नीचे था ना, तो मैंने छुड़ाने की कोशिश में मतलब उस पाँव हमारे भी साइड पर हो जाएगा बस। जी ये हालात हैं जी नाजिन के, आप देख सकते हैं कि ये अच्छा खासा एक मर्द है, और अपने आप को इसने ट्रांसजेंडर बना हुआ है, और मारिया नाम बता रहा है जी अपना, लेकिन है ये मर्द। और क्या नाम बताया था? आलिया। अपना असल नाम बताओ। अदनान। अदनान, अदनान नाम है इसका, और ये अच्छा खासा मर्द है, लेकिन इसने एक बुज़ुर्ग शहरी जो कि रिक्शा ड्राइवर थे, अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए घर से निकले हुए थे, सवारियां बैठी हुई थी, और ये इशारे पर रुकते हैं और उनसे जो सवारियां थी उनसे पैसे लेने की, वहाँ पे उनसे पैसे मांगते हैं, और उसी दौरान बाबा जी के साथ इसकी तलख कलामी होती है, और तलख कलामी इस कदर हो जाती है कि ये बाबा जी के नाजुक अज़ा पर पाँव मारती है, यानी कि वहाँ पर इसने बड़े ज़ोर से इसने पाँव मारे हैं, और जिसकी वजह से बाबा जी जो हैं मौके पर जो है यानी कि वो वफात पा जाते हैं, लेकिन ये जो शख्स है वहाँ से फ़रार हो जाता है। लेकिन हमारे जो पंजाब पुलिस है वो तो ज़ाहरी बात है, अब कत्ल इसने किया और कत्ल तो छुपता नहीं है, ज़ाहरी बात है ये भी लोग इनके पीछे थे, और अब ये जो है कानून की गिरफ्त के अंदर है, अब कह रही है मुझे पछतावा है, मुझे गुस्से में ये काम कर दिया,
लेकिन क्यों हथकड़ियां लगने के बाद ही ये चीज़ क्यों आती है जहन के अंदर के पछतावा हो गया? इससे पहले हम नहीं सोचते, इससे पहले हम लोग गुस्से के अंदर आके इस कदर पागल हो जाते हैं कि हम कुछ भी कर बैठते हैं, ये नहीं सोचते कि हमारे बहन भाई, हमारे माँ बाप, उनका क्या बनेगा। अब ये खुद तो अंदर है, बड़े मज़े से अंदर रह रहा है, इसकी रातें गुजर रही हैं वहाँ पे, नहा रहा है, धो रहा है, साबुन के साथ अपनी सफाई भी करेगा, लेकिन इसने ये नहीं सोचा एक पल के लिए भी कि इसके वालदैन पे क्या गुजरेगी। यानी गुस्से के अंदर आके, तैश के अंदर आके इसने एक 45 से 50 साल की उम्र थी तकरीबन बाबा जी की, जिसकी इस शख्स ने जो है वो जान ले ली, और ट्रांसजेंडर ये बना हुआ है रोडों के ऊपर। लेकिन नाज़िन, गुस्सा जो है वो हराम है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। कोई भी फ़ैसला जो है हमें उससे सोच समझ ही करना चाहिए, ताकि कल को हमें इस सूरत हाल का सामना ना करना पड़े जो कि आज इस शख्स को करना पड़ा है। तो नाज़िन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर कहा कीजिएगा। अपने मेज़बान नई बड्डी को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए 1 पॉइंट।